फ्रेंड मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ पर कस्टम यूआरएल की। अगर आपका कस्टम यूआरएल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है और आपके यूट्यूब चैनल पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं और आपका यूट्यूब चैनल 30 दिन पुराना है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कस्टम यूआरएल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, आप कस्टम यूआरएल कैसे सेट करें आपको नहीं पता चल रहा है। और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो यहाँ पर पहली बार कस्टम यूआरएल क्रिएट करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी 100 सब्सक्राइब कंप्लीट किए हैं। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशन हम जान लेते हैं कि जब आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके चैनल पर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होना चाहिए और जो आपका चैनल को 30 दिन पुराना होना चाहिए। साथ ही आपका जो प्रोफाइल लोगो है वो आपका लगा होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर बैनर भी आपका लगा होना चाहिए जो प्रोफाइल के ऊपर होता है, जहाँ पर आपके चैनल के बारे में पता चलता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्या क्या वीडियोज बनाते हैं या क्या क्या आप दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर और यहाँ पर ये जो चैनल है इसके चैनल के यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 168 सब्सक्राइब हो चुके हैं जो कि 100 सब्सक्राइब से ऊपर है और ये यहाँ पर अब कस्टमर यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है फ्रेंड यहाँ पर जो कस्टमर यूआरएल का ऑप्शन जो शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पर जिसके जरिए आप यहाँ पर जो आपका कस्टम यूआरएल है वो क्रिएट कर सकते हैं और जो आपका जो कस्टम यूआरएल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसके लिए मेथड वन बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे क्या करना होगा, नीचे की तरफ आपको आ जाना है, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बताऊँ आप मोबाइल से कर रहे हैं या कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप वर्जन में आपको चले जाना है, तो वहाँ पर ऑप्शन कर लेना है। तो उसके बाद आप जब इस तरह से खुल जाएगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा और चैनल के ऑप्शन के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आ जाना है, यहाँ पर मैनेज यूट्यूब अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए हैं, आपने बहुत सारे चैनल फॉलो कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होने में नहीं आ रही तो यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ। तो मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे और इस तरह से भी आपको बता रखा है और यहाँ से भी जाकर आपका जो चैनल का कस्टम यूआरएल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फिर से अपने चैनल डैशबोर्ड पर आ जाना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं जिनमें आपको बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ठीक है फ्रेंड, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना, आपको चैनल यूआरएल का ऑप्शन दिख जाएगा जो यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से आपको यहाँ पर यूआरएल दिया जाता है वो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जिनके 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए उनका भी जो कस्टम यूआरएल का ऑप्शन नहीं मिला था वो यहाँ से जाकर कर सकते हैं और जिनका अभी 100 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, जब उनके 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो यहाँ से जाकर अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। तो आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेट ए कस्टम यूआरएल का फॉर योर चैनल का ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल का ऑप्शन है यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैनल का नाम है, तो अगर आपको यहाँ पर कस्टम यूआरएल यहाँ पर जो आपका चैनल का नाम है सेम वैसे ही रखना है या आप थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको जो भी चैनल का नाम है उस चैनल के नाम से किसी ने और भी कस्टम यूआरएल ले रखा है तो यहाँ पर कुछ आप लेटर वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मैं नंबर से ऐड कर दिए तो यहाँ पर जब ग्रीन हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो कस्टम यूआरएल है दूसरा क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर रेड आता है तो समझो आपका कस्टम यूआरएल नहीं बनेगा, तो इस तरह से आपका दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर लेटर और जो वर्ड दे रहा है कुछ ऐसे देना है ताकि यहाँ पर वो ऐड हो सके, ग्रीन आए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अलग से रखना चाहते हैं कुछ यूनिक तब आप कर सकते हैं। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप कुछ चेंज करके रखना चाहते हैं, नया लेटर देना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर लेटर देना है। उसके बाद जब ग्रीन हो जाएगा तब उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश करना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं जो है सेम रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जब आप पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मांगेगा, आपको कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर ये इस तरह से कंफर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर कस्टम यूआरएल बन जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कस्टम यूआरएल का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो कस्टम यूआरएल बन चुका है तो आप देख लेते हैं हम जल्दी से सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम जल्दी से इस कस्टम यूआरएल के लिंक को कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू टैब ले लेते हैं और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि हमारा जो कस्टम यूआरएल वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बना है नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर कस्टम यूआरएल काम कर रहा है और ये कस्टम
यूआरएल वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ चैनल का सर्च में भी आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्रिएट करते हैं। अगर आपका जो 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया उसके बाद नहीं आ रहा था तो आप इस मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं, और जिनका अभी 100 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए तो वो भी जब 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे वो उसके बाद इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगर आपको कोई भी और भी वीडियो चाहिए कस्टम यूआरएल से रिलेटिव तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।